एक 24 साल का लड़का जिसकी की ऑफिस में लगी हुई है, उसकी क्रश भी ऑफिस के सीईओ के साथ लगी हुई है। वो एक स्लेव की जिंदगी जी रहा है, ना तो सही से खा पाता और ना तो सही से सो पाता, सारा टाइम वर्क वर्क वर्क। अरे माँ चुदी पर ही है। पर एक दिन ऐसा वीरा होता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसे एक सुपर पावर मिल जाती है जिससे वो नहीं ये वाली स्टोरी नहीं है। नया सवेरा होता है और उसकी सिटी ज़ॉम्बीज से भरी होती है, जिसे देखकर वो डिसअपॉइंट नहीं वो खुश होता है। Hey guys, this is Manga Sama. Okay, boys, here we go. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम 1 ऑफ ज़ोम 100। जैसा कि तुम नाम से पता लगा सकते हो कि ये मैंगा ज़ोंबी पर बेस्ड है, पर ये मैंगा ज़ोंबी से ज्यादा इसके मेन कैरेक्टर अकीरा टेंडो की मिजरेबल लाइफ पर फोकस करती है। एक ऐसा बंदा जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन करने से पहले बहुत ही जोशीला और एम्बिशियस था। वो अपने कॉलेज में रग्बी प्लेयर था, पर ऑफिस ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर उसकी जिंदगी झंड हो गई। ऑफिस के फर्स्ट डे में उसे 2 दिन तक लगातार काम कराया गया। उसके ऑफिस का एनवायरमेंट किसी को भी टट्टो का कैंसर दे सकता है। बॉस जो कि अपने एम्प्लॉयज का खून चूसता था, जस्ट लुक एट दिस, पीपल आर लिटरली पिसिंग द ब्लड एंड दे फील प्राउड अबाउट इट। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर अपना एमसी इतना चूतिया नहीं है कि वो ओवरटाइम वर्क पर प्राउड फील करे। One eternity later. नेवर माइंड। एक ही माल था जिसने कि उसे ऑफिस में 3 साल तक रोक के रखा, साउरी ओथोरी जो कि उसकी क्रश थी, जिसे वो कभी भी अपने प्यार के बारे में बता नहीं पाया। एकदम कड़क माल है ना। पर उसकी क्रश से ज्यादा वो कंपनी के सीईओ की साइड पीस थी। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी जिंदगी क्या लग गए थे। उसने जॉब चेंज करने की भी सोची, पर वो ये करने से रुक गया क्योंकि उसे पता था कि उसकी करंट कंपनी से भी घटिया कंपनी उसके सिटी में है। उसकी लाइफ इतनी बदतर हो गई कि वो ये सोचने लगा कि बस एक मिसाइल उसकी कंपनी पर गिर जाए और ये तमाशा बंद हो। उसके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो गए। इस रैट ट्रैप से निकलने के लिए उसे एक ही सोल्यूशन दिखा, वो थी मौत। वेल, ऐसा नहीं होता। वो अगले दिन उठता है और काम पर निकलता है, पर अगला दिन और दिनों की तरह नहीं होता क्योंकि वो अपनी सिटी को ज़ॉम्बीज़ से भरा पाता है। वॉल्यूम 1 में इसका कोई रीजन नहीं दिया गया, मे बी आगे वॉल्यूम्स में इसके बारे में कुछ बताया गया हो कि रातों रात ऐसा क्या हुआ कि पूरी सिटी ज़ॉम्बीज़ से भर गई। बट दिस न्यू मॉर्निंग डिड नॉट डिस्करेज आवर एमसी, बट इट मेड हिम फुल ऑफ जॉय, क्योंकि अब उसे ऑफिस जाके नहीं मरवानी होगी। वो उस स्टेज पे पहुंच गया है कि वो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पसंद कर रहा है ऑफिस जाने के बजाय। Now he's free. He can do whatever he wants. तो सबसे पहले वो जाता है CEO की साइड पीस, अपने क्रश के घर जाता है अपने प्यार का इजहार करने, और वो वहाँ पाता है CEO को। ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है? तुम सब समझदार हो, तुम समझ सकते हो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, सक और सेक्स। पर अपने एमसी को ये सिचुएशन भी डिस्करेज नहीं करती। वो अपने बॉस को जो ज़ॉम्बी बन गया है रिजाइन देता है और अपनी क्रश को अपने दिल की बात बताता है। पर उसकी क्रश भी ज़ॉम्बी बन गई है, पर अपने एमसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो ज़ॉम्बी को प्रपोज करता है और वहां से भाग जाता है। एट लास्ट ही सो हर टिट्स। बाय द वे, वी ऑल शुड गिव रिस्पेक्ट टू द मैंगा आर्टिस्ट कोतारो ताकाता फॉर मेकिंग ऑसम टिट्स। 3 सालों तक अपनी जिंदगी हेल में जीने के बाद उसे ज़ॉम्बीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा इस कंडीशन में भी बियर लेने जाता है ताकि वो एंजॉय कर सके, और इसी बीच वो मिलता है एक माल से जो कि उसी की तरह एक सर्वाइवर होती है। अपना एमसी यहाँ मौके का फायदा उठाते हुए उसका नंबर मांगता है, पर वो उसकी गांड पे लात मार के चली जाती है। बट आई बिलीव ये लड़की मैंगा में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली है। सो लेट्स गो बैक टू आवर एमसी अकीरा टेंडो। अपनी फ्रीडम वापस मिल जाने के बाद ये वो सब करने वाला है जो ये करना चाहता था। वो जानता है कि उसके पास लिमिटेड टाइम है और एट द एंड वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, और इसलिए वो 100 वर्क्स टू डू बकेट लिस्ट बनाता है और अपने मिशन पर निकल जाता है। आगे स्टोरी में अपने ठर की फ्रेंड केंचिरो रियुज़ाकी से मिलता है, और जैसा कि उसका इंट्रो दिखाया गया है वो एनिमे में तुम्हें नहीं मिलेगा। अपने दोस्त के संग मिलने के बाद उसने अपनी लिस्ट में से एक वर्क तो कर ही दिया, और आगे चलकर वो अपनी जिंदगी के बेस्ट ईयर जिएंगे जैसा कि यूनिवर्सिटी में जीते थे। Well, this is the end for the volume 1. ये मैंगा हमें बताती है कि जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, तुम हर जगह मजे ले सकते हो। और इसका ऑथर हारो आसू का भी यही कहना है। This is it for today, guys. This is Manga Sama. Peace.